इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सीईटी ट्वेल्थ लेवल एग्जाम मैराथन करंट अफेयर की क्लास। इसमें आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन राजस्थान एग्जाम 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक जितने भी राजस्थान में कॉम्पिटिशन एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए करंट अफेयर के 160 प्लस क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपसे पार्ट फर्स्ट की चर्चा करूंगा जिसमें आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक होंगे। 80 के बाद से 160 प्लस तक के क्वेश्चन कल इसी टाइम 7 PM पर इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सभी क्वेश्चन के आगे एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंडिया करंट अफेयर के भी देखने को मिलेंगे, बाकी सभी आपके राजस्थान करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन एनवी रमन्ना ने किया था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, सेकंड ग्रेड 29 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कौन से दिन विद्यालयों में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने शनिवार को बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक आपके उदयपुर में आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार राज कलासुआ को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपके मिस्र में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या 272 मिलियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2021-22 अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन देश 2021-22 अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्र 2021 में संघाई सहयोग संगठन से नए स्वदेशी के रूप में जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईरान राष्ट्र 2021 में संघाई सहयोग संगठन से नए स्वदेशी के रूप में जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा, जो कि सेकंड ग्रेड 29 जनवरी को करंट अफेयर पूछे थे। तो उसमें मैंने राजस्थान और इंडिया दोनों के लिए हैं और बाकी के कॉम्पिटिशन में सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु वर्ग की महिलाएँ उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 से लेकर 45 वर्ष की आयु की महिलाएँ उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इसका पार्ट 2 कल इसी टाइम 7 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 आशीष पुरोहित को दिया गया। आप देख सकते हो, सेकंड ग्रेड 29 जनवरी को ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर था गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के जयपुर और जोधपुर शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी। तो अब तक के क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड 29 जनवरी को जो आयोजित किया गया था एग्जाम उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछा गया करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने है कि 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को पचरंग चोला पैर सखीरी रचना के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ 2021 की बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथेश निर्मोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आपके नागपुर जिले में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 50,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन हैदराबाद रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो सीटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2023 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की गौरी माहेश्वरी को जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। तो राजस्थान से पहले ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता क्रमशः कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य की सहभागिता क्रमशः 50-50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष जारी की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपके पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया था। तो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व आपके रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के अनास नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पार्ट टू इसका कल ही आपको 7 PM पर देखने को मिलेगा। ये है पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली योजना ने किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली योजना ने 10 से लेकर 18 वर्ष की आयु की बालिकाओं को लक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आमागढ़ रिजर्व चर्चा में था, यह प्रसिद्ध है। तो ये लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? आमागढ़ रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19-20 अगस्त 2022 को डीजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 19-20 अगस्त 2022 को डीजी फेस्ट का आयोजन जयपुर शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपी वायरस के कारण स्वास्थ्य समस्या किन में हुई है? तो लंपी वायरस के कारण स्वास्थ्य समस्या मवेशियों को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन दो जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान के जयपुर और जोधपुर जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध है टीबी के मरीजों से। किससे संबंधित है? टीबी के मरीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भड़ला सोलर पार्क आपके जोधपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर अवार्ड से अशोक यादव को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले की सरस डायरी ने 17 अगस्त 2022 को स्वर्ण जयंती मनाई है? तो राजस्थान के अजमेर जिले की सरस डायरी ने 17 अगस्त 2022 को स्वर्ण जयंती मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ शुरू किया जाएगा? तो राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान आपके जोधपुर शहर में शुरू किया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क आपके जयपुर शहर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFFF का कौन सा संस्करण है? तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFFF का 10वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में राजस्थान की रैंक क्या है? तो नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में राजस्थान की 12वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया है? तो राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन SS शिंदे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है नरसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ बेटी अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया? तो स्वस्थ बेटी अभियान का शुभारंभ आपके अलवर जिले से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल 1.0 कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्माइल 1.0 कार्यक्रम आपके 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना के लिए मधु काकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हम यहाँ थे रचना के लिए मधु काकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया था। RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट राइट स्कूल में देश में राजस्थान ने कौन सा दर्जा हासिल किया? तो ईट राइट स्कूल में देश में राजस्थान ने पहला दर्जा हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल कोठारी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कोमल कोठारी सम्मान 2022 से डॉक्टर महेंद्र भानावाद को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन जयपुर शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना के लिए अजगर वजाद को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? महाबली रचना के लिए अजगर वजाद को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में मैं पार्ट फर्स्ट की चर्चा कर रहा हूँ जिसमें आपके 80 तक क्वेश्चन होंगे। बाकी के जो 80 से लेकर 160 प्लस क्वेश्चन है वो पार्ट सेकंड में कल इसी टाइम 7 PM पर अपलोड करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जब भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य आपके बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड महामारी के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है? कोविड महामारी के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आपके शिक्षावाणी योजना लागू की गई है। सभी क्वेश्चन आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किसने की है? प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी जोधपुर शहर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया? तो इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत राजस्थान राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले को 24वां ई राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया? तो नागौर जिले को 24वां ई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस जिले में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने 3 जिलों में जयपुर, जोधपुर और कोटा जिलों में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ का स्थापना दिवस 2022 में कौन सा मनाया गया? तो मेहरानगढ़ का स्थापना दिवस 2022 में 564वां मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है रेहाना रिया चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ बाघ अभयारण्य राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ बाघ अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है। या तो पूछा जाता है राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, या पूछा जाता है रामगढ़ बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है, या फिर आप देख सकते हो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेंगू के विधायक कौन है? तो ये प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है, उस टाइम ये विधायक चर्चा में थे इसलिए इन पर क्वेश्चन बन गया है। तो बेंगू के विधायक है राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपये में भोजन प्राप्त कर सकता है? तो इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी 8 रुपये में भोजन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किसने किया? तो हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ धौलपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ किया गया? तो इसका आरंभ आपके जयपुर में किया गया। किसका? आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब शुरू किया गया? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आपके 26 अक्टूबर 2020 में किया गया था, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी 2022 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का कुलपति पद पर KL श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना आपके जोधपुर शहर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नागर का संबंध आपके बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान किस जिले ने शुरू किया है? तो मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान आपके डूंगरपुर जिले ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी किसने की है? 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी जयपुर शहर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गाँव खबरों में था, तो ये कहाँ स्थित है? तो देवतलाई गाँव आपके भीलवाड़ा में स्थित है। ये आप भी क्वेश्चन आपके प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव इंस्टीट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो केशव इंस्टीट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास जयपुर शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी माहेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो गौरी माहेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका संबंध अजमेर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के दौसा जिले में MSME तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की कौन सी योजना प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना आपके जयपुर के जामडोली जिले में की जाएगी। तो ये थे 80 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में आपके आगे के क्वेश्चन 160 प्लस तक की चर्चा कल करूंगा 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।